लव कटारिया को बिग बॉस के घर से बाहर किया जा चुका है। लव कटारिया का अनफेयर तरीके से इविक्शन कर दिया गया और इविक्शन के बाद बिग बॉस ने तो हद ही कर दी। बिग बॉस ने हद कर दी, घर के अंदर जश्न मनाया गया। लवकेश कटारिया को घर से बाहर करने का जश्न मनाया गया और इस जश्न की व्यवस्था करी थी बिग बॉस ने। एक तो आप अनफेयर तरीके से डिसीजन लेते हो, जो बंदा डिजर्व करता है उसको निकाल करके बाहर कर देते हो। आपको डर लगता है कि कहीं वो बंदा जीत ना जाए, कहीं जीत जाएगा तो फिर क्या होगा, जो हमने सोच रखा है, हम जिसको विनर बनाना चाहते हैं हम उसको बना नहीं पाएंगे। तो भैया रियलिटी शो का नाम बदल करके फिक्स शो कर दीजिए, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा भैया नहीं देखेगा, अनइंस्टॉल कर देगा। लेकिन आप केवल टीआरपी लेने के लिए लोगों को फंसा के रखते हो। लास्ट तक की शिवानी विशाल लवकेश सबके भैया दर्शक टीआरपी लास्ट तक भैया हम ले लें पूरी। अब बचा है फिनाले, दो दिन तीन दिन की बात है, तो जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। लोग देखेंगे जिसको देखना है कि भैया कौन जीता है, तो ना तो पता ही करेंगे। तो इस तरह से बदतमीजी करके वहां पे घर से बाहर कर दिया। इसके बाद घर पे केक कटिंग सेरेमनी होती है, बिग बॉस केक भेजते हैं, जश्न मनाया जाता है कि भैया लवकेश कटारिया घर से बाहर जा चुका है और जो घर के टॉप फाइव बचे हैं उन टॉप फाइव के सेलिब्रेशन की तैयारी होती है। केक कटिंग होती है, ग्रैंड सेरेमनी होती है, सक्सेस सेरेमनी, मतलब जिनके लिए सक्सेस सेरेमनी कर रहे हो ना वो उनकी शकल भी होनी चाहिए, सक्सेस सेरेमनी लगने चाहिए। मतलब आप जो है साई कीर्तन राव को सक्सेस सेरेमनी, कृतिका मलिक उनको आप सक्सेस सेरेमनी पार्टी दे रहे हो, नेजी को सक्सेस सेरेमनी पार्टी दे, भाई ठीक है रणवीर शौरी डिजर्व करता था बंदा, साई वहां पर सना मकबूल डिजर्व करती थी, साई कीर्तन कहां से डिजर्व करता है, कृतिका कहां से डिजर्व करती है। एक बार की अरमान होता ना अंदर तो ये होता है कि चलो बंदे ने पूरे टाइम बिग बॉस पे कुछ ना कुछ तो किया, कंटेंट दिया है बिग बॉस को, कुछ किया ना किया वो कंटेंट दिया बिग बॉस को। लेकिन ये लोग तो कुछ कंटेंट भी नहीं दिए हैं, आप इनको अंदर करे हो, भले उसने नेगेटिव कंटेंट दिया अरमान ने लेकिन कुछ ना कुछ तो किया था, उसको कर सकते थे। लवकेश अंदर रहने लायक था, शिवानी अंदर रहने लायक थी, लेकिन नहीं टॉप फाइव पे तो आपको ये सारे लोग चाहिए थे। खैर जो भी हुआ, अंदर केक कटिंग कर रहे हो आप, मतलब निकाल करके अच्छा नहीं लगा देख करके, क्योंकि जितनी भी जनता देखने वाली थी उसने एक परसेप्शन बनाया था अपना, देखा था सारी चीजों को, बाहर से देख के समझ में आया था कि कौन बंदा मतलब बिग बॉस के अंदर अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। जो अच्छा करने वाले लोग थे जनता उनके साथ थी, लेकिन आपने उनके साथ ही बुरा कर दिया। और जिन्होंने पूरे बिग बॉस में उठपटांग हरकतें करी है, बुराई करी, सारी चीजें करी है, अब मतलब ना ही बिग बॉस के अंदर उनका कहीं ट्रोल किया, ना उनकी जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं बिग बॉस के तरीके से या अनिल कपूर की तरफ से। वो तो मुनव्वर फारूकी आ गया, उसने जो है ना थोड़ी बहुत बैंड बजा दी इन लोगों की, लोगों को समझ में आया कि साला मैंने गलती करी है कुछ ना कुछ, नहीं तो भी लास्ट तक यही सोच के जा रहे थे कि अपन अहम ब्रह्मास्मि है, अपन ही राजा हैं, सब कुछ सारा अपन ही भगवान है, ऐसा कुछ रणवीर शौरी और वहां पे अरमान मलिक ने सोच रखा था। थोड़ा सा मीडिया ने कुछ बोला तो मीडिया से पता लगा, फिर जब मुनव्वर आया तो मुनव्वर ने जिस तरीके से ट्रोल किया तो इन लोगों को लगा कि साला मतलब अपन इच्छ भगवान नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ी है मामला। एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मनोहर ने कहा भैया अरमान ने जो आपने जो किया है विशाल के साथ ना, तो बहुत सारे लोग जो है नाराज हैं आपसे, मतलब आपकी हरकतों से, लेकिन बहुत सारे लोग विशाल की तरफ भी हैं, मतलब दोनों चीजें बोली उन्होंने। खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं है लग रहा है इस समय, जो भी हुआ है बिग बॉस के अंदर। फिनाले आ रहा है, फिनाले पे देखिए किसको विनर बनाते हैं। मेरे ख्याल से तो नेशी को विनर बनाएंगे, क्योंकि जब पूरे काम ही रद्दी तरीके से हो रहे हैं तो भैया इसको भी उठा के विनर बना दो, सरदर्द खत्म करो, खत्म करो बिग बॉस यार। आपको क्या लग रहा है कमेंट पे जरूर बताइएगा, देखते रहिएगा द गुप्तचर।